हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आपका प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे कि प्लेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म के बीच में क्या संबंध है, इनका आपस में क्या रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन करने से दूसरे दो क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं अपने आप। ओके स्टूडेंट, तो आज हम इस वीडियो में शॉर्ट मेथड के द्वारा एक्सपेंडेड फॉर्म और ये प्लेस वैल्यू और जी आपके शॉर्ट फॉर्म निकालनी सीखेंगे, है ना, और इन्हें चेक करना भी सीखेंगे कि ये गलत है। अगर हमने निकाल लिया, आंसर निकाल लिया, तो अगर ये सही है या नहीं, ये भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। स्टूडेंट, अगर आपने किसी नंबर को एक्सपेंड किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये सही है या नहीं। फिर आपने स्टूडेंट प्लेस वैल्यू निकाली तो वो सही है या नहीं, है ना। आपने शॉर्ट फॉर्म निकाली तो वो सही है या नहीं, तो आप ये सब भी सीखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। Find the place value of each digit. स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में ये जो नंबर दिया गया है आपको, इस नंबर की प्रत्येक डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। ओके स्टूडेंट, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। प्लेस माने स्थान, वैल्यू माने मान, कॉस्ट, मूल्य। ओके स्टूडेंट, तो इसमें प्रत्येक जो डिजिट है उसका आपको मूल्य बताना है, यानी कि उसके स्थान का जो मूल्य है, स्थानीय मान बताना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर किसी भी नंबर का आपको प्लेस वैल्यू बतानी हो, स्थानीय मान बताना हो, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब याद रखें कि सबसे पहले आप उस पर 1 10 डालें। ठीक, जो भी नंबर आपको मिला हुआ है, सबसे पहला कार्य होता है कि आप उस पर 1 10 डालें। 1s 100 1000 10000 lakh 10 lakh। स्टूडेंट, अगर आपको 1s 10s के बारे में नॉलेज नहीं है, तो जो प्रीवियस वीडियो थी स्टूडेंट हमने बनाई थी, तो आप उसमें डिटेल में बताया गया है कि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, जो भी डिजिट जिस प्लेस पे होगी उसकी वैल्यू उतनी ही होगी, है ना। मान लीजिए ये 1s प्लेस पे 6 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी जी, 6। अब 5 10 प्लेस पे है स्टूडेंट, 10 ऐसे बनता है, तो 5 × 10 = 50, तो इसकी 50 हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो 8 जो है 100 प्लेस पे है, तो 100 × 8 = 800। तो स्टूडेंट, ये तो आपको बुक में भी सिखाया जाता है इस प्रकार निकालना, है ना, तो हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सिखाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट आप मान लीजिए, तो ये 8 है स्टूडेंट, और इसकी प्लेस क्या है 100, तो ये 800 रीड होगा, हमने आपको पढ़ना सिखा रखा है, है ना। तो स्टूडेंट ये 800 होगा, आपको आपसे 800 लिखना आता ही है, ऐसे लिख सकते हैं, एक मेथड तो ये है स्टूडेंट। अब ये 2 है, 2 की प्लेस क्या है लैक, तो ये 2 lakh है, तो स्टूडेंट आप 2 lakh लिख सकते हैं डायरेक्ट, मल्टीप्लाई करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। एक स्टूडेंट आपका एक मेथड और है हमारे पास, वो ऐसे है, आप ऐसा एरो लगा लीजिए, इसमें आप गलती होने की संभावना नहीं रहेगी।
ये भी शॉर्ट मेथड है स्टूडेंट। ऐसे सभी एरो आप लगा लेंगे, सभी डिजिट से लेके चलेंगे सीधी लाइन, और इनके एरो इस प्रकार आप लगा सकते हैं। कोई भी नंबर हो स्टूडेंट, कितना भी छोटा हो और कितना भी बड़ा हो, करोड़ तक हो या कहीं तक भी हो, या फिर स्टूडेंट 100 तक हो या 10 तक हो, है ना, तो सबकी प्लेस वैल्यू निकालने का एक ही मेथड है, ठीक है जी। सबको ऐसे एरो से लगा लीजिए। अब फिर स्टूडेंट और वंस की साइड से शुरू कर दीजिए, 6, 5, 8, 7, 5, 2 और 9। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने इनमें एरो बना लिए, एरो बना के वंस की साइड से आपने इन एरो का के क्रम वाइज जो भी डिजिट है लिखनी शुरू कर दी, ठीक है जी, समझ में आई इतनी बात। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, पहली डिजिट को छोड़ देंगे, जो वंस पे है उसे छोड़ देंगे, और 10 वाली डिजिट के आगे 1 0 लगाएंगे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे 1 0 ऐड करते हुए चले जाएंगे। यहाँ 1 है तो स्टूडेंट यहाँ 2, यहाँ पे 3, और अब यहाँ पे 4, और यहाँ पे 5, और इस समय लास्ट में 6। ओके स्टूडेंट, देखियो कितना आसान है ना, सारी प्लेस वैल्यू आपकी निकल चुकी है, ठीक है जी, आप देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, भाई आपको ऐसे नहीं कहा, यह कह दिया कि भाई 7 की निकालिए बस, है ना, ये नहीं कहा, सबकी नहीं पूछी आपसे, और बस कोई भी डिजिट की पूछ ली ऐसे ही रैंडमली। ओके स्टूडेंट, मान लीजिए आपसे 5 की पूछ ली कि भाई सिर्फ 5 की लाइन जिस पर सर्किल है उसकी प्लेस वैल्यू बताइए मात्र, है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते। देखिए स्टूडेंट 5 लिखिए, अब इसके आगे कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट है, तो स्टूडेंट आप 4 0 लगा दीजिए, तो देखिए यही है 1, 2, 3, 4, 4 0 लग रही ना। अगर आप भूल जाए तो इस प्रकार भी आप निकाल सकते हैं, अगर 9 की कह रहा है तो सिर्फ 9 की ही कह रहा है कि भाई 9 की बताइए, और सबकी नहीं पूछ रहा, तो आप 9 लिख के स्टूडेंट अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 0 लगा दीजिए, देखिए 9 के आगे 6 0 है, तो स्टूडेंट ये तो शॉर्ट ट्रिक थी आपको प्लेस वैल्यू निकालने की। इससे आप इस तरीके से आप किसी सिंगल डिजिट की भी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, और सबकी कहे जितने भी नंबर है सब नंबर में जितनी भी डिजिट है अगर सबकी कहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है जी, तो आपसे प्लेस वैल्यू निकालनी आ गई, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हम इनके संबंध के बारे में बात कर रहे थे, हम इन्हें चेक करने के बारे में बात कर रहे थे, है ना स्टूडेंट, तो अब हम देखेंगे प्लेस वैल्यू में और इस एक्सपेंडेड फॉर्म के बीच में क्या रिलेशन है ना। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हमें किसी क्वेश्चन का को एक्सपेंड करना है ना, एक्सपेंड करना है किसी भी क्वेश्चन को, मान लीजिए आप यही डिजिट है इसे आपको एक्सपेंड करना है, आपको इसे प्लेस वैल्यू नहीं निकालनी, आपको इसे एक्सपेंड करना है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आपने इसकी प्लेस वैल्यू निकाल ली, तो आप क्या करेंगे, अब आप देख लीजिए सबसे पहले जो लास्ट वाली लाइन है उसे लिखिए, 0 काउंट करके लिखते हैं स्टूडेंट, इसमें 6 0 है, क्योंकि 10 लाख पे है, 10 लाख में 6 0 होती है स्टूडेंट, फिर इसमें एक प्लस का चिन्ह ऐड कर दीजिए आप, फिर दूसरे नंबर पे कौन है, 2 लाख, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे 2 लाख लिख सकते हैं, और इसमें कितने 0 है, इसमें 5 है प्लस, अब 5
ओके स्टूडेंट, अब 7000, देखिए यहाँ पे स्पेस कम है तो इसलिए हम इसे इधर प्लस का चिन्ह लगा के लिख लेते हैं यहाँ से। तो फिर स्टूडेंट क्या है 800, फिर 50, फिर 6। तो स्टूडेंट जो हमारी प्लेस वैल्यू है वही हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो यही इनके बीच में संबंध है जी, है ना। तो आपने अगर किसी की प्लेस वैल्यू निकाल ली किसी भी नंबर की और आपको सही उसी नंबर को एक्सपेंड करना है, तो स्टूडेंट आप अलग से ना करके, आपको जल्दी सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी के जो इसका आंसर है उसे ऐसे लिख के उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आया आपको। तो स्टूडेंट आपको अलग से उन्हें एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म जो प्लेस वैल्यू होती है वही हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट अब मान लीजिए आपको ये चेक करना है कि क्या आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म सही है, जो आपने एक्सपेंड किया तो क्या ये सही है, कैसे चेक करेंगे, है ना। तो चेक कर लीजिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, किसे चेक कर रहे हैं स्टूडेंट, हम एक्सपेंडेड फॉर्म को चेक कर रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ये जो भी डिजिट आपके पास है इन सब को ऐड कर दीजिए। देखिए इनके बीच में सबके ऐड का सिंबल है, यानी कि हमें क्या करना, आप अगर आपको कोई ऐसे पूछे 3 + 4 तो आप क्या बताएंगे, 7, ऐड करके ही बताएंगे ना, है ना। तो स्टूडेंट ये भी ऐड के क्वेश्चन ही है, मान लीजिए आप, तो आप क्या करेंगे इन्हें ऐड कर दीजिए। सबसे पहले 9 के आगे कितनी डिजिट 0 थी जी, 6, और 2 के आगे 5। स्टूडेंट याद रखें हमेशा जब भी आप लिखना शुरू करें तो वंश की साइड से ऐसे लिखना शुरू करें जैसे हमने लिखा ना है अभी, लेफ्ट साइड से ऐसे मत लिखें, ऐसे गलत हो जाता है। ठीक है जी, अब ये वाला लिखना ऐसे लिखे हमेशा, वंश की साइड से शुरू करें और लेफ्ट साइड स्पेस बचेंगे आपके। ठीक है जी, डिजिट को हमेशा लिखते समय डिजिट एक डिजिट के नीचे ही दूसरी डिजिट लिखे, ऐसे नहीं कि यहाँ पे बीच में लिख दिया, ऐसे बीच में लिख दिया, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, है ना। तो स्टूडेंट फिर ऐड करने में प्रॉब्लम होती है कि हम इसे वंश की साइड ऐड करें या 10 की साइड ऐड करें, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, है ना। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखेंगे आप कि आप इन्हें डिजिट के नीचे ही डिजिट लिखेंगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये चेकिंग वे है कहीं का एक्सपेंडेड फॉर्म का, एक्सपेंडेड फॉर्म को आप ऐसे लिख के चेक कर सकते हैं कि ये सही है गलत है। स्टूडेंट कैसे पता चलेगा ये सही है गलत है, जिस भी नंबर को देखो, हमने ये नंबर था हमारे पास, इसे हमने एक्सपेंड किया, है ना, इस नंबर को हमने ये यहाँ पे एक्सपेंड कर लिया। अब स्टूडेंट आप इन्हें प्लस करके यही नंबर आपको प्राप्त हो जाए, यही नंबर मिल जाए या यही नंबर आंसर में आ जाए, तो ये आपका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो सही है वरना गलत है। देख लीजिए आप, 0 और 6, 6, 0 5, 5, 0 8, 8, 0 7, 7, 0 5, 5, 0 2, 2, और 9 के 9। याद रखिए स्टूडेंट, जब भी आप किसी भी डिजिट में जीरो को ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा वही नंबर आता है, वही डिजिट आती है जिस डिजिट को आपने जीरो में ऐड किया। ओके स्टूडेंट, क्योंकि जीरो का तो अपना कोई मूल्य होता ही नहीं। तो स्टूडेंट अब ये आ गया, अब आप इसे मैच कर लीजिए, 9, 2, 5, 7, 8, 5, 6। स्टूडेंट देखो बिल्कुल सही आया ना, जिस
जिस नंबर को हमने एक्सपेंड किया था वही हमने इन्हें प्लस करके जब चेक करना चाहा तो यही आंसर है, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट हमारी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंड किया हमने कोई क्वेश्चन को, वो बिल्कुल सही है, ठीक है जी। लेकिन अब हम आपको बता रहे थे कि इन शॉर्ट फॉर्म करनी है। तो स्टूडेंट आपके पास एक क्वेश्चन आता है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यह आता है राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे दी गई होगी, आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई होगी और इसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहा है। ओके स्टूडेंट, इसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहा है। तो स्टूडेंट कोई भी नंबर आप, कोई भी एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दी हुई हो, अगर उसे शॉर्ट फॉर्म में करें तो उसे सबसे जो बेस्ट मेथड है उसे करने का शॉर्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टूडेंट वो है प्लस का मेथड, है ना। तो आप इसे प्लस कर दीजिए तो स्टूडेंट ये इसका आंसर हो जाएगा। जो चेक का आंसर है ना स्टूडेंट, यही आपकी शॉर्ट फॉर्म है। मान लीजिए आप ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, ये एक क्वेश्चन होगा एक्सपेंडेड फॉर्म का, आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में बदलना है, तो आपने क्या कहा स्टूडेंट, इसे प्लस कर लिया, है ना। प्लस करके जो आंसर आया यही शॉर्ट फॉर्म है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए 7000 प्लस जीरो, या चलो जीरो नहीं लेते, अब ये क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म का है, आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में चेंज करना, तो आप क्या करेंगे इसे ऐड करेंगे, तो स्टूडेंट ये आ गया ना। तो स्टूडेंट आपको पता चलगा कि अगर आप कोई भी एक्सपेंडेड फॉर्म है अगर उसे आप प्लस करके जो आंसर आएगा वही आंसर आपका सही होगा, और यही सबसे बेस्ट मेथड है। ओके स्टूडेंट, वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर जीरो सही क्रम में है, देखो यहाँ 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, कहीं भी जीरो में गैप नहीं है, तो स्टूडेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं, भाई यहाँ 7 लिख रहा है, 7 का 7 6 का 6 7 का 7 और 5 का 5, ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट, इसमें आपको ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें गलती होने की संभावना है। क्या गलती होने की संभावना है स्टूडेंट, कैसे गलती हो जाएगी आप देख लीजिए कैसे गलती हो जाएगी। मान लीजिए एक क्वेश्चन है 9000 प्लस 20 प्लस 5, स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, और आपने सोचा कि भाई सर ने बताया था कि शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कर दीजिए 9 2 5, तो स्टूडेंट ये आंसर जो भी है आपका शॉर्ट फॉर्म करना है, अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये गलत है, रोंग है। क्यों रोंग है, क्योंकि ये 9000 है, ये 100 ही हुआ है ना, तो स्टूडेंट ये गलत है, तो आपको ध्यान रखना होगा इसमें जीरो का क्रम सही नहीं है, जिसमें जीरो का क्रम सही होगा उसे ही आप ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। स्टूडेंट देखो यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2 जीरो आनी चाहिए थी, 3 आ गई, तो स्टूडेंट इनके बीच की एक जीरो खत्म है, तो वो जीरो आप यहाँ लगा लेंगे। अगर आप इसे स्टूडेंट प्लस करें फाइव जीरो फाइव, टू जीरो टू, जीरो की जीरो, 9 कर रहे, देखिए स्टूडेंट इस वाले जो प्लस वाला मेथड है हमारा, इससे आंसर करेक्ट आ रहा है, आ रहा ना बिल्कुल करेक्ट, और इससे गलत आ रहा है, तो आप रिस्क ना लें, ऐड करें, ठीक है। या आपको पूरा भी आप पे कॉन्फिडेंस है कि भाई आप जो अपने पे जीरो का क्रम देखना आ गया है ना, तो आप इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट एक इसी प्रकार हम किसी भी नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू अगर निकाल रहे
तो हम उसे वही प्लेस वैल्यू उसकी जो होती है एक्सपेंडेड फॉर्म में होती है। और जो कोई एक्सपेंडेड फॉर्म होती है अगर स्टूडेंट हम उसे चेक कर रहे हैं तो वही उसका उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट जब शॉर्ट फॉर्म आ जाती है, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म को चेक करना कि भाई ये शॉर्ट फॉर्म सही आई या नहीं, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आप उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। देख लीजिए आपने ये करा तो आप इसे चेक करना चाह रहे हैं स्टूडेंट, आप इसे चेक करना चाह रहे हैं तो 9 है, हमने आपको बताया था जिस डिजिट का आगे जितना अंक होंगे उतनी जीरो लगाएंगे आप, 1 2 3 जीरो ऐड कर ली, फिर प्लस लगाइए यहाँ पे जीरो, एक जीरो लगा दीजिए है ना जी, या जीरो नहीं भी लगाए तो भी स्टूडेंट चलेगा, कभी कभी जीरो नहीं आती बुक में। फिर 2 है, 2 के आगे कितने डिजिट है स्टूडेंट, 1, तो 1 जीरो लगा दीजिए। फिर 5 है तो 5 लिखो। ओके स्टूडेंट, ऐसे हो जाती है। यह स्टूडेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसे वंस टेंस हंड्रेड और थाउजेंड। तो स्टूडेंट 9000 100 जीरो है तो जीरो लिख देंगे, 20 इधर को 20 है और ये 5 है, 9025 ऐसे रीड करेंगे ना आप इसे, 9025 100 छोड़ देंगे, यहाँ जीरो है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट इस प्रकार हम एक ही क्वेश्चन को करते हुए उनके इनमें क्या रिलेशनशिप है भाई, प्लेस वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में, वो हमने आपको सिखा दिया इनके बीच का जो संबंध है। ओके स्टूडेंट, आपको प्लेस वैल्यू चेक करनी आ गई होगी, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म चेक करनी आ गई होगी, आपको आपसे अब शॉर्ट फॉर्म भी चेक करनी आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, तीनों का चेकिंग मेथड आपसे आ चुका हुआ है और तीनों क्वेश्चन को आप अच्छी प्रकार कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को भी इस प्रकार की वीडियो देखना अच्छी लगे लगती है तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अगर आपको लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप स्टूडेंट कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी भी मैथ के किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।